कार्यों की जानकारी जुटाई। टिहरी के कई इलाकों में बारिश के बाद तबाही का मंजर है और ऐसे में लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें सुरक्षित जगहों पर विस्थापित किया जाए। इस बीच टिहरी दौरे पर मुख्यमंत्री धामी, जहां उन्होंने आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया, तो दौरे के दौरान की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर तो देखिये, जहां उन्होंने हवाई सर्वेक्षण के जरिए हालातों का जायजा लिया, तो साथ ही लोगों के बीच पहुंचकर भी वो यहां पर जानकारी जुटाते हुए नजर आए। तो स्थलीय निरीक्षण के दौरान की ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। तो हालातों का ऐसा लेते हुए मुख्यमंत्री धामी यहां पर नजर आए। सीएम ने रेस्क्यू और राहत कार्यों की जानकारी भी जुटाई कि किस तरह से प्रशासन की तरफ से लोगों को की जो मदद है वो यहां पर की जा रही है। तो टिहरी के कई इलाकों में बारिश के बाद तबाही का मंजर जो है वो यहां पर देखा जा रहा है। तो देखिए टिहरी की तस्वीर आपको दिखा रहे, जब स्थलीय निरीक्षण के लिए सीएम धामी यहां पर पहुंचे। तो बता दें कि लगातार हर तरफ तबाही का मंजर जो है वो बारिश के दौर के बीच देखा जा रहा है। टिहरी की तस्वीर जब खुद धरातल पर उतरे मुख्यमंत्री धामी और दौरा कर हालातों का जायजा उनकी तरफ से लिया गया, हवाई सर्वेक्षण के जरिए भी वो जायजा लेते नजर आए, फिर लोगों के बीच पहुंचकर भी उन्होंने जानकारियां जुटाई कि किस किस तरह की परेशानियां यहां पर लोगों को उठानी पड़ रही है। लोगों का थोड़ा नुकसान हुआ है, हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी कोई इस क्षेत्र का विस्थापन किया जाए। मकान यहाँ खतरे की गर्द में आते हैं, उनका आकलन हो गया है और कोशिश है कि हर संभव अब आगे जो है लोगों की जान माल की सुरक्षा की जाए, उसके लिए काम कर रहे हैं। और जो लोग हमारे यहाँ आपदा शिविरों में हैं, उसमें वृद्ध लोग हैं, गर्भवती माताएं हैं, बच्चे हैं, विकलांग हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, दवाइयाँ हैं, खाद्य सामग्री हैं। और सभी से कहा है कि जो भी लोग आपदा से प्रभावित हुए हैं उनको जो आपदा राहत है वो तुरंत तत्काल दी जाए और जनजीवन को सामान्य करना। और जो नुकसान हुआ है, जो बड़ा नुकसान हुआ है, काफ़ी नुकसान हुआ है, उसको पुनः जनजीवन सामान्य करने के लिए लोगों को दोबारा से जोड़ना, जो भूस्खलन की चपेट में रास्ते आ गए हैं उनको ठीक करना, भवन इत्यादि जहाँ पर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनका पुनर्वास इत्यादि। सर साहब, अति संवेदनशील एरिया है, दीर्घकालीन क्या अति संवेदनशील क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र, लगातार भूस्खलन हो रहा है, इसी के लिए दीर्घकालीन योजना क्या बनाई है कि जो भी आकलन किया गया है, पहले जो आकलन बनाए गए हैं उसके अनुसार जो भी इस खतरे की जद में आने वाले बरसाती जो हमारे नदी हैं, नाले हैं, गाढ़ गधेरे हैं या जहाँ पर भूस्खलन हो सकता है, ऐसे स्थानों की पूरी जानकारी करके उन स्थानों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर और जहाँ जरूरी है वहाँ पर विस्थापन या पुनर्वास। सर, ये घटना बहुत ही दुखद है और ये घनसाली क्षेत्र आपदा की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील है। अभी कुछ ही दिनों पहले है यहाँ इसी विधानसभा में विनय खाल में आपदा हुई जिसमें दो लोगों को अपने प्राण गंवाने पड़े, और कल रात को जो ये घटना हुई इसमें एक ही परिवार के तीन लोगों की मृत्यु हुई, जो बहुत ही दुखद है। आज से 10 वर्ष पूर्व भी 31 जुलाई को ही उसी स्थान पे एक भीषण आपदा आई थी जिसमें 6 लोगों की मृत्यु उस समय हुई थी। जिले के घनसाली के नौताक जगह पे हूँ और आपको बता दूं कि ये वही जगह है जहाँ पर 3 लोगों की मलबे में आने से मौत हो गई है। और आपको बता दूं कि कैमरामैन को बता दूं कि किस तरह से यहाँ पर भारी मलबा आया और पूरी तरह से कटान के नीचे चले गया। और यहाँ पर दुकान थी, एक छोटा सा एक होटल था, उस होटल में 3 लोग रहते थे और उनके ऊपर मलबा आ गया और इनकी घटनास्थल पर मौत हो गई। साथ ही आपको बता दूं कि लगातार घनसाली में जो आपदा आ रही है उसका निरीक्षण करने के लिए आज दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और सतपाल महाराज मौके पर पहुंचे हैं। अरविंद नौटियाल, न्यूज स्टेट, टीवी गढ़वाल। इस बीच बड़ी खबर केदारनाथ से, जहां केदार